ऑफिसर की जिंदगी में एक बार ऐसा टाइम आ ही जाता है जब उसे डिसाइड करना ही पड़ता है कि उसके लिए सीआईडी जरूरी है या एक दोस्त। चलिए आज आज मैं दोस्त को कुर्बान कर दूंगा। एक दो को तो टपका दिया है, वो भी नहीं बचेगा। मारेगा ना गोली? हाँ मारूंगा, दिख जाएगा तो गोली मार दूंगा दया को। हेलो, हाँ हाँ जाड़ियो छे अल्या, एक बार कहू ने जाड़ियो छे, दया दया नाम छे नो। दूर थी गोली मारी दे डफोड़। हाँ हाँ गोली मारी दे, आ मारो ऑर्डर छे, एसीपी रणछोड़ राणा नो हुकुम छे। इसके साथ में कौन है? और क्या? जिंदा देखना चाहते हो तो हमें काला चमगादड़ लाकर देना होगा।
रिसाइनी पोल पर ठीक 3 बजे दिखेगा वो चमगादड़ तुम्हें। तो सौदा करेगा तू मेरे साथ बेटा, एक बार हाथ में तो आ जा। अकेले आना, ले आ गया। अब बोल। होशियार है। होशियार भी और खतरनाक भी। सुना है तुम्हारे बारे में, मगर तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। ये बता दया कहाँ है, मालूम है? नहीं मालूम। अरे फिर क्यों टेढ़ा हो रहा है, है? तुम लोग कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। दया पे ही गोली चला दी। हाँ चला दी। तीन खून करके भागा है। कर क्या रहा है? ये दया यहाँ पे कर क्या रहा है? सिक्किम जाओ, दार्जिलिंग भी जाओ। अब मैं दार्जिलिंग जाऊँ? हाँ। देख, तू तो होशियारी नहीं समझा। अहमदाबाद में एक रास्ता है जो सीधा सिक्किम जाता है, सीक्रेट। अच्छा, और दार्जिलिंग का भी? अहमदाबाद से सिक्किम 0 किलोमीटर। अहमदाबाद से सिक्किम 0 किलोमीटर? हाँ, और दार्जिलिंग भी 0 किलोमीटर। हाँ? जहाँ पे ये जगह है वहाँ पे जाओ कल सुबह। कल मकर संक्रांत है, अच्छा दिन है। कल दोपहर 3 बजे एक बैट निकलेगा चमगादड़। उस बैट को पकड़ो, उस बैट को पकड़ो, समझे? वो सब कुछ बोल देगा। बैट बोलेगा? पहले उसे पकड़ो तो सही। जाओ। 3 बजे। 10 बार सोचना चाहिए था अभी। ये दया पर ऐसे ही गोली चलाने की जरूरत नहीं। सर, तीन लोगों को लुढ़का दिया उसने। मेरा दिल नहीं मानता अभी। सर, दिल की आवाज नहीं सुननी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोला है सर, कई बार बोला। हाँ ठीक है, बोला है मैंने तो। अरे सर, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? जोयो नहीं, ये वो दुम दबाए ने भागी क्यों? कोई नहीं, बाइक पर बैसी ना। बाइक? बाइक थी आसपास? हाँ, लाया एकलो न थी, मेरे साथ एक गैंग से गैंग। कोई दिवस नहीं था, दया इतना नीचे गिर ही नहीं सकता। लो, आवी क्यों तुम्हारो सिक्किम, जोई लो, गैंग टॉक 0 किलोमीटर। तो ये है सिक्किम 0 किलोमीटर, दार्जिलिंग 0 किलोमीटर। उसने बोला था यहाँ पे बैट निकलेगा, बैट बोलेगा। यहाँ अंदर जाके टेरिस पे चढ़ जाओ, आज सारा शहर तुम्हें टेरिस पे मिलेगा। मकर संक्रांत, मकर संक्रांति के दिन तो आसमान में पतंग ही पतंग दिखेगी। बैट कहां से आएगा? सर कुछ तो है, कहीं ना कहीं से तो आएगा वो बैट सर, नहीं तो आदमी भूलता नहीं। दया का पता लगाना बहुत जरूरी है। सर ये दया और श्रेया दोनों एक साथ गायब हो गए। ये अभिजीत कहीं दोनों का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। दया मुझे बिना कुछ बताए ऐसा कुछ करेगा नहीं सर। पर ये कहाँ जाके छुपा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है सर। देखो कुछ भी हो जाए मुझे वो बैट चाहिए। मगर दया भाई, वो बैट आएगा कहाँ से? आसमान से आएगा, और कहाँ से आएगा? बैट दिन में थोड़ी उड़ा करते हैं दया भाई। कम से कम अहमदाबाद में तो नहीं देखा। ये वाला बैट उड़ेगा, दिन में उड़ेगा और जरूर उड़ेगा। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखो। Thank you.
बैठ निकल गया उसे यही का यही गोली मार दूंगा मैं। मगर सम्राट भाई ये बैट है कहाँ? मेरी जेब में है, निकाल ले। सॉरी भाई सॉरी। अबे गधे लो, बैट आसमान से ही आएगा ना, और कहाँ से आएगा? हाँ समझ गया भाई समझ गया। बजने को आया और अभी तक बैट नहीं दिखाई पड़ा और तुम पतंग उड़ाने लगे हो। सर 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 आप उड़ाएंगे? आप उड़ाइए। मुझे पतंग नहीं उड़ानी है अभी, मुझे बैट चाहिए बैट। यस सर बैट देख रहा हूँ सर। बैट आ क्यों नहीं रहा? बैट आ गया। बैट आ गया। दया भाई काट दो इसे, काट दो। इधर लाओ। अभिजीत ये लाल वाला पतंग उसके पीछे पड़ा है, अब लगा दो तुम्हारा बाज उसके पीछे। यस सर। लगा। ये बाज कहां से आ गया? खींच, अरे नीचे से खींच। काट दो अभिजीत, खींचो। अभिजीत ये बैट तो कट गया। अरे सर बैट क्या, बैट का बाप भी हाथ से नहीं जाएगा सर, बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है मैंने। एक मिनट अभी लपेटता हूं मैं उसे। लो 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 अभिजीत लो। भाई बैठ गया, श्रेया की जान दी, अब करूं क्या मैं? चिंता ना करो दादा, हूँ जो छू।
मुंबई थी क्यारे आवी? बधु बराबर तो छे ने? मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। आज सवारना जावी रेखा। एक्चुअली दादा दादी को कुछ लोग कुछ दिनों से परेशान कर रहे हैं। अरे तो उन्होंने हमसे क्यों नहीं कहा? शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। उसमें क्या तकलीफ? पहले पड़ोसी फिर रिश्तेदार, हम कब काम आएंगे? तुम टेंशन मत लो, तू दादा दादी पासे बेस, हूँ जो छू। थैंक्स रेखा। हर्षुक भाई, सुशील भाई, जरा साथे आवजो। दादा शू बात छे? तमे मने कही शको छो? चलो आराम से बैठिए। पहले मैं हूं ना यहां पे, फिर आप दोनों क्यों डर रहे हैं? हाँ मैं एक CID ऑफिसर छू। अच्छा आप ये बताइए कि वो लोग कौन है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप दोनों? खबर नहीं श्रेया, लेकिन ये लोग अपने नाक में दम कर रखा है। दादी कोई तो बात होगी ना, याद करके बताइए ये सब कब से हो रहा है, कैसे शुरू हुआ? श्रेया दिख रहा, कुछ दिन पहले ये बात है। मैं मंगलवार को रात को घर आ रहा था कि मैंने देखा शुक्र भागो। उसी दिन से ये सब झंझट चल रहा है। पता नहीं उस दिन रात को वो लोग कुएं के पास क्या कर रहे थे। रात को वो लोग कुएं के पास क्या कर रहे थे? दादा, 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 दादा
તમે બરાબર છો? કોણ હતા એ લોકો? કોણ હતા એ લોકો? અમે બહુ ડર લગતા હવે નથી રહું નથી રહું મુજે 24 ઘંટે દેજે બધું સંભાળ સબ સંભાળ દૂંગી કેવું લાગતા श्रेया बोलो। सर आई एम रियली सॉरी, इतनी रात को मैं आपको परेशान कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सर। श्रेया क्या हुआ, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ अहमदाबाद में मेरे दादा दादी को कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं भी अभी अहमदाबाद में ही हूँ सर। अहमदाबाद? तुम वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट करो, वो फौरन पहुँच जाएंगे। लेकिन सर दादा दादी ने लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट किया था, मगर वो गुंडे तभी अटैक करते हैं जब कोई पुलिस आसपास नहीं होती है। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है आशीष, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और इस समय अहमदाबाद में ही है। मैं उसे फोन करता हूँ, वो तुम्हारे घर पहुँच जाएगा और मैं भी अहमदाबाद आ जाता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अचानक श्रेया और उसके दादा दादी कहाँ चले गए? हाँ मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि रात को जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ ताला लगा हुआ था। यही बात मुझे खटक रही है, अगर उन लोगों को कहीं बाहर जाना भी होता तो श्रेया मुझे फोन जरूर करती। मैंने उसका फोन ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आशीष मुझे लगता है ये लोग किसी मुसीबत में है। जरूर हाथापाई हुई, देखो सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। तो नहीं बना, कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो उन्हें परेशान कर रहा? आप लोगों को कुछ पता है कोई उन्हें परेशान कर रहा था? हाँ सर, कल अंकल आंटी पुलिस बुला भी थी। कौन से वो लोग, कुछ पता चला था? नहीं सर, दो रात तक पुलिस यहाँ रुकी भी थी पर तब कोई परेशान करने नहीं आया, पर जैसे ही पुलिस वाले गए वो लोग वापस चालू हो गए। कल रात यहाँ पर कुछ हुआ था, आप लोगों ने कुछ देखा था? श्रेया कल रात बहुत परेशान थी और अंकल आंटी पे भी किसी ने हमला किया। बुजुर्ग लोगों पे हमला किया, लगता है वो लोग यहाँ किसी चीज को ढूंढने के लिए आए थे। क्या चीज हो सकती है वो? अच्छा जरा ये स्केच देखिए, इस आदमी को देखा है यहाँ, पहचानते हैं? नहीं सर। किसी ने देखा है इसे? आप क्या करें दे, कहाँ ढूंढे उन लोगों को? आशीष ढूंढना तो होगा, वो भी जल्द से जल्द। श्रेया किसी
कुएं के बारे में बता रही थी, अखा भगत के पुतले के पास। अखा भगत का पुतला? हाँ? वो यहाँ बाजू में छे, चलो हूँ तुमने ले चल। आई अखा भगत बहुत बड़े कवि थे, यहाँ के लोग के चहिते कवि, उनके सम्मान में ये पुतला बनाया गया था। लगता है इसी कुएं में वो चीज छुपा के रखी गई होगी। लेकिन दया यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद वो चीज यहाँ से ले गए होंगे। और शायद इसी चीज की वजह से श्रेया और उसके दादा दादी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो चीज क्या हो सकती है? अब ये तो वही आदमी बताएगा जिसका स्केच हमें मिला था श्रेया के घर से, उसे ढूंढना होगा। मेरे जान पहचान का एक खबरी है, शायद उससे कुछ पता चल जाए। चलो। इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया मिलने के लिए? इससे तो कहीं भी मिल सकते थे। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। मैंने समझाया उसको कि अब मैं पुलिस में नहीं हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे उसे बताया कि दया आने वाला है, बोला कि सबके सामने नहीं मिलेगा। क्यों? कहने लगा खतरा है। मेरे से मिलने में खतरा है? नहीं, तुमसे नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, उससे खतरा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उसे कैसे पता चला कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? कहीं ये भी मिला हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो एक छोटा मोटा चोर उचक्का है। लेकिन क्या ना कि छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी ये पता रहता है कि आसपास के गैंग क्या करते रहते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूँ तो तूफान भी मुझे रोक नहीं सकता, और इन बदमाशों को तो मैं तहस नहस करके ही छोड़ूंगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ? ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। सर, मुझे बुलाया? दे आराम से। तुझे पता कैसे चला कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? हाँ, उड़ते उड़ते पता चल गया। अब कल पॉकेट मार पकड़ा गया था तो उसे मिलने गया था, तो उसी ने बताया कि इंस्पेक्टर दया यहाँ आया हुआ है। फिर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वो तो आशीष सर ने बोला कि दया सर से मिलना है, मैं भूल गया तो याद आ गया। सर स्केच देख, इसे पहचानता है? ये पक्या है सर, ये भी छोटा मोटा चोरी है। कहाँ मिलेगा ये, मालूम है? हाँ सर, ये पोल में घूमता रहता है, मैं पता करके पक्का बता सकता हूँ कि वो किधर मिलेगा सर। अच्छा, देख अगर तू अपनी हड्डियां सही सलामत चाहता है तो गायब मत होना, और आज शाम तक मुझे बता दे ये पक्या कहाँ मिलेगा, है ना? नहीं तो तू जहां जाके छुपेगा जो वही आके मारूंगा। जी सर। पक्या यही मिलेगा? हाँ सर, तीन चार बार मैंने उसे यहाँ पे ही देखा है। तो क्या कुछ जवाब देना होगा कि श्रेया और उसके दादा दादी कहाँ गए? दया यार देखना, कोई गलत काम मत कर बैठना, हाँ प्लीज। मतलब जो कुछ हुआ वो सही है, तीन तीन लोग किडनैप हो गए वो सही है? नहीं यार, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो भी गलत है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। जवाब मैं पक्या के मुर्दे के मुंह से भी निकलवा के रहूंगा। सर, हो रहा। इनमें से कौन है? वो रेड टी-शर्ट वाला। पक्या, अबे रुक।
जान नीचे पड़ जाए, पार करूंगा। आप खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। मेरी बात सुनो, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। बहुत खतरनाक है, बोल मत। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो श्रेया मरने वाली है और यहाँ भी मुसीबत। क्या करूँ, क्या करूँ मैं? जो मैंने सुना अभिजीत, दया ने तीन खून कर दिए अहमदाबाद में। तीन खून? ये दया अहमदाबाद गया कब सर? वही तो, ये दया अहमदाबाद गया कब और फिर अहमदाबाद गया ही क्यों, और वो भी बिना बताए। सर मामला तो सीरियस हो गया है, ये क्या कर दिया दया ने सर? अहमदाबाद जाना पड़ेगा। आशीष, दया तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ, समझे? देखिए, आपका इस तरह से बात करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं तो क्या करूँ, मर्डर का मामला है, तीन तीन खून हुए हैं, समझे? सो अभिजीत सर दया सर के दोस्त आशीष को लेकर आ रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस को पूछना पड़ेगा कि उन्हें हमारी मदद चाहिए क्या, क्योंकि वही जानते कि दया ने क्या किया है। सही है, आशीष भी तो थे दया सर के साथ। अरे तभी तो अभिजीत उसे लेकर आ रहा है यहाँ पर। आइए चलिए, आशीष। सॉरी सर, आपको यहाँ तक आना पड़ गया। दया का मामला है, हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तो मैं लिहाज कर रहा हूँ, तुम दया के दोस्त हो, नहीं तो क्या गलत आवाज हो गया मेरा? करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मिस्टर आशीष, सच क्या है ये पता लगाना जरूरी है। हाँ तो जानिए ना। हाँ तो बताइए ना, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि दया ने तीन तीन खून कर दिए? देखो मैं क्या देखिए सर, दया ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि आशीष तुम्हारी मदद चाहिए। फिर सर मैंने की उसकी मदद। सर दया, मैं और ध्रुव, हम तीनों पाकिया की तलाश में निकले और सर खाड़िया में वो हमें दिख गया।
और फिर एक जगह पे पकिया कहीं फंस गया, शायद बाइक पे से गिर गया। तुमने देखा? नहीं सर, मैं और ध्रुव तो पीछे पीछे भाग के आ रहे थे ना सर। अरे तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि पकिया बाइक पे से गिर गया, तुमने देखा नहीं? अरे क्योंकि जब हमने गोलियों की आवाज सुनी और जब हम वहां गए तो वहां पर बाइक जमीन पर गिरी हुई थी। और दया? दया वहां नहीं था सर। तो वहां पकिया की लाश पड़ी थी है ना? नहीं सर, पकिया की लाश नहीं, वहां किसी और की लाश थी। नहीं नहीं, पकिया कहां था? अरे पकिया वहां नहीं था, बल्कि सर वहां किसी और दो लोगों की लाश पड़ी है। यहीं पे गड़बड़ है सर, यहां पे गड़बड़ है। ये आदमी बोल रहा है कि आप पकिया के पीछे भागा था ना, तो पकिया को छोड़कर उसने बाकी तीन लोगों को क्यों मार दिया? अभिजीत, अब गुजरात पुलिस के एसीपी रणछोड़ राणा से मिलते हैं, वही बताएगा ये सारा चक्कर है क्या। दादी, दादाजी उठिए, घबराइए मत, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा हम तुम्हें जानते हैं, रेहा अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करती है। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम लोग ठीक है। पता नहीं बेटा, जब से ये लोग का मैं यहाँ उठा कर लाए, श्रेया को नहीं देखा। एक काम कीजिए, आप लोग चलिए यहाँ से, मैं आप लोगों को किसी सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ, मैं वापस आके श्रेया को ढूंढूंगा। नहीं 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 बेटा, हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और श्रेया को ढूंढो। नहीं, मैं आप लोगों को ऐसी जगह पे छोड़ नहीं सकता, यहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है, चलिए। यहां से फोन कर। हाँ। Oh no, श्रेया!
सुनो श्रेया, 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 आप? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? सर, मैं ठीक हूँ। चलो। सर। हेलो, हाँ? अरे हाँ हाँ, ओके ओके। अच्छा जब तक मैं फोन ना करूँ आप लोग वहां से कहीं मत जाइएगा, ठीक है? ओके या। तुम्हारे दादाजी का फोन था, वो अपने दोस्त के घर पहुंच गए हैं। चलो। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.